हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय डेलीग्राफर चैनल। आखिरकार हमने अंडमान का ट्रिप का वीडियो बना ही लिया, तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं हमारा अंडमान का 6 डे का ट्रिप, जो मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने किया क्या क्या अंडमान में। अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में लैंड करते ही हमको ट्रांसफ़र किया गया हमारे होटल में, जिसका नाम था होटल एफ़। होटल एफ़ एक 3-स्टार सेमी लग्जरी होटल था। वहाँ पे रूम्स काफ़ी छोटे थे, काफ़ी ज़्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन हमें बाथटब मिला था तो वो एक गुड पॉइंट था। यहाँ पे कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम चले गए हमारे फर्स्ट डे ट्रिप के लिए, जो हमने शुरू किया था सेलुलर जेल के साथ। सेलुलर जेल काफ़ी हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस रखता है इंडिया के लिए। सेलुलर जेल को काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। हमारे काफ़ी फ्रीडम फाइटर्स को यहाँ पे काला पानी की सज़ा मिली थी, जिसमें से थे वीर सावरकर और बटुकेश्वर दत्त जैसे फ्रीडम फाइटर्स। लेकिन मज़े की बात यह है कि यहाँ पे किसी भी प्रिजनर को फांसी नहीं दी गई थी, जबकि यहाँ पे एक फांसी घर भी है। आप अपने सेलुलर जेल के विजिट के लिए एक गाइड जरूर लेके जाना, ताकि आपको इस जगह का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस समझ में आए। और रात पे यहाँ पे होता है लाइट एंड साउंड शो, जो आप ज़रूर देख सकते हो। सेलुलर जेल के एक इंटेंस विजिट के बाद हम गए थे इंदिरा गांधी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, हमने थोड़ा टाइम बिताया वहाँ पे और बस कॉफ़ी और पकौड़े खाए। उसके बाद हम गए थे एक बीच, जो एक काफ़ी फेमस बीच है पोर्ट ब्लेयर में, जिसका नाम है कॉर्बिन्स बीच। ये बीच काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ पे बहुत सारे कोकोनट ट्रीज़ हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हो। यहाँ पे खूब सारे वाटर एक्टिविटीज़ चल रहे होते हैं, जैसे कि पैरासेलिंग, जेट स्कीइंग और काफ़ी कुछ। आपको अपने अंडमान के ट्रिप में काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे वाटर एक्टिविटीज़ करने के लिए, तो आपको जितना करना चाहो आप वो कर सकते हो। हमने यहाँ पे जेट स्कीइंग किया था और मुझे काफ़ी मज़ा आया था। मैंने पहली बार किया था और ये जेट स्कीइंग का एक्सपीरियंस, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, काफ़ी मज़ेदार था। तो आप भी अगर किसी भी बीच में जाते हो और वहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ होता है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जितना हो सके आप वाटर एक्टिविटीज़ ज़रूर करना। ये था सेलुलर जेल का नज़ारा बाहर से ड्यूरिंग द नाइट। अगर आप चाहो तो आप अंदर भी जा सकते हो और शो का मज़ा ले सकते हो। डे टू में होटल एफ में ब्रेकफास्ट करने के बाद हम आए थे फिनिक्स बे जेटी। यहाँ पर वो जगह है जहाँ पे आपको जेटी मिलती है बाकी आइलैंड्स वगैरह घूमने के लिए। ये जेटी के चार्जेस काफ़ी नॉमिनल होते हैं और हमारा प्लान था नॉर्थ बे आइलैंड और रॉस आइलैंड घूमने का, बट ड्यू टू सर्टेन वेदर कंडीशंस हम लोग रॉस आइलैंड नहीं घूम पाए और हमने उसके बदले घूमा वाइपर आइलैंड, और उसके बाद हम लोग गए थे नॉर्थ बे आइलैंड। वाइपर आइलैंड दोबारा एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक जेल बनाया गया था टू इम्प्रिजन अवर फ्रीडम फाइटर्स। तो वहाँ पे अभी अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको सिर्फ रूइंस मिलेगा, बट द आइलैंड इज़ वर्थ वॉचिंग और देखने लायक जगह है। यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड मत कीजिएगा आप, क्योंकि उसके बाद आपको जाना है नॉर्थ बे आइलैंड। नॉर्थ बे आइलैंड पहुँचते वक्त आपको बहुत बड़े बड़े शिप्स दिखेंगे, उनमें से कुछ आपको नेवी के शिप्स या फिर हो सकता है आपको मिलिट्री के शिप्स दिखे, जिसके फोटोज़ आपको खींचना अलाउड नहीं है। कुछ देर के बाद हम नॉर्थ बे आइलैंड पहुंच गए और यहाँ पे हमने किए थे कुछ वाटर एक्टिविटीज़, जैसे कि ये ग्लास फ्लोर बोटिंग। इसमें बोट में जो फ्लोर होता है वो होता है ग्लास का, और आपको काफ़ी मैरीन लाइफ देखने को मिलता है वाइल्ड सिटिंग ऑन योर बोट। उसके बाद हमने किया था ये डॉल्फिन बोटिंग। डॉल्फिन बोट एक डॉल्फिन शेप का एक बोट होता है, जिसमें होता है एक मैग्नीफाइंग ग्लास जिसके थ्रू आप देख सकते हो मैरीन लाइफ। अगर आप नॉर्थ बे आइलैंड आते हो तो आपको स्नॉर्कलिंग ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है क्रिस्टल क्लियर वाटर। मैरीन लाइफ यहाँ का बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो स्नॉर्कलिंग आपके लिए मस्ट है करना। और यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ ट्राई किए क्रैब, जो मुझे खाना आया भी नहीं कैसे खाते हैं, लेकिन मैंने ट्राई किया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अंडमान में सी फूड सस्ता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। वापस आते वक्त हमको नॉर्थ बे आइलैंड की एक बहुत मज़ेदार बात पता चली। हमारे 20 रुपये के नोट के पीछे जो आइलैंड का फ़ोटो है, नॉर्थ बे आइलैंड वही आइलैंड है। Day 3 में होटल एफ ने हमारे लिए ब्रेकफास्ट पैक किया और उसके बाद हम चले गए मैक्रूज। मैक्रूज एक छोटा सा क्रूज है जो हमको ले जाएगा हैवलॉक। हैवलॉक एक और आइलैंड है इन अंडमान, और हमको लग रहा था कि अभी तक हमने अंडमान में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, लेकिन अंडमान में जो हैवलॉक आइलैंड है वो सबसे फेमस आइलैंड है, क्योंकि ये
वाकई में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जैसे ही आपका क्रूज जब पोर्ट में पहुंचेगा तो आपको देखने मिलेगा ब्लू कलर का क्रिस्टल क्लियर पानी। पोर्ट से कुछ ही मिनट दूर था हमारा रिजॉर्ट जिसका नाम था हैवलॉक आइलैंड बीच रिजॉर्ट। रिजॉर्ट काफ़ी खूबसूरत था और द बेस्ट पार्ट इज़ ये बीच फेसिंग था। बेसिकली हमारे रूम से सिर्फ एक मिनट का वॉक या उससे भी कम दूर में था हमारा बीच। ये रिजॉर्ट ज़्यादातर लकड़ी से बना था और इसका रूम कुछ ऐसा था। ओरसी अंडमान का बेस्ट पार्ट ये है कि इतने सारे टूरिस्ट होने के बावजूद भी अंडमान कभी आपको क्राउडेड नहीं लगेगा। और हैवलॉक में जो हमको रिजॉर्ट मिला था उसका बीच में काफ़ी वाइट सैंड था जो एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था मेरे लिए क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था। कुछ ही देर बाद हम गए आइलैंड डाइवर्स जहाँ पे हमको कराया गया स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग काफ़ी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है, काफ़ी स्केरी एक्सपीरियंस है अगर आपको वाटर से डर लगता है। हमारे लिए स्कूबा डाइविंग काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। कुछ मिनट के ट्रेनिंग के बाद हमको स्कूबा डाइविंग के लिए पानी के अंदर भेज दिया गया। वहाँ पे हमने करीब 20 से 40 मिनट्स बिताए और ये काफ़ी बेहतरीन एक्सपीरियंस था हमारे लिए। स्कूबा डाइविंग करने के बाद हम पहुँच गए राधानगर बीच जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस बीचेस ऑफ हैवलॉक है। लेकिन बीच में जाने से पहले हमने किया हमारा लंच। राधानगर बीच में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे स्ट्रीट फूड के लिए या फिर आपको प्रॉपर मील के लिए भी काफ़ी ऑप्शंस मिलेंगे। कैसा है? राधानगर बीच एक वाइट सैंड बीच है जो देखने लायक है। अभी हम कहाँ हैं मंजू? राधानगर बीच। अभी हम हैं राधानगर बीच। ड्यूरिंग द नाइट हमारे रिजॉर्ट में एक कैटेलाइट डिनर का अरेंजमेंट हुआ था फॉर कपल्स या फिर जो भी मैरिड कपल्स है या फिर जो भी हनीमून के लिए आए हैं, तो वो अरेंजमेंट बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था। मैंने अपने लाइफ में कभी सी साइड ड्यूरिंग द नाइट कभी बैठा नहीं हूँ तो ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था वॉचिंग द सी ड्यूरिंग द नाइट। और हमारा डिनर एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था एट द हैवलॉक आइलैंड बीच रिजॉर्ट। डे फोर में हमने ब्रेकफास्ट किया इन हैवलॉक आइलैंड बीच रिजॉर्ट। यहाँ का ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे काफ़ी नॉर्थ इंडियन ऑप्शंस एंड साउथ इंडियन ऑप्शंस थे तो हमने यहाँ पे पेट भर के ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद हम रेडी हो गए टू गो टू एलिफेंट बीच। एलिफेंट बीच इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस बीचेस ऑफ हैवलॉक एंड इज़ फेमस फॉर इट्स स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। बट ड्यू टू सम वेदर कंडीशंस हम वो बीच नहीं जा पाए और हमको मिल गया काफ़ी स्पेयर टाइम टू स्पेंड ऑन आवर पर्सनल बीच जो रिजॉर्ट का बीच है। हमने रिजॉर्ट के बीच में काफ़ी टाइम स्पेंड किया, काफ़ी वीडियोज़ और फोटोग्राफ्स लिए। वी वेंट ऑन ए लॉन्ग वॉक अलॉन्ग द बीच एंड देन स्पेंड सम टाइम इनसाइड द वाटर्स। Looking like some coral, no? नहीं है, shell है।
कुछ देर बाद हमको न्यूज मिला कि एलिफेंट्स बीच अब नहीं खुलेगा, सो वी वेंट फॉर एन ऑल्टरनेट ऑप्शन, दैट वाज द काला पत्थर बीच। वी आर नाउ एट द काला पत्थर बीच। So this is the Kalapathar beach, and it is called Kalapathar because of that black rock over there. And this is the beach. It's slightly crowded here, so we'll be going there as it is secluded there. और ये है काला पत्थर बीच, जहाँ पे लोग कम हैं। आफ्टर अवर विजिट टू काला पत्थर हम लोग गए थे टू दिस वेरी वेल नोन एंड फेमस रेस्टोरेंट ऑफ हैवलॉक नोन एज समथिंग डिफरेंट। इस रेस्टोरेंट का नाम समथिंग डिफरेंट है और ये रेस्टोरेंट में काफ़ी सेलिब्रिटीज वगैरह जब अंदमान विजिट करते हैं तो वो लोग भी विजिट करते हैं। काफ़ी सिंपल सा रेस्टोरेंट है लेकिन बीच फेसिंग है अगेन, एंड इट इज़ क्वाइट ईजी गोइंग ऑन योर पॉकेट्स। हमने डे 5 में दोबारा ब्रेकफास्ट किया इन हैवलॉक आइलैंड बीच रिजॉर्ट और हम चढ़ गए क्रूज में टू गो टू अवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, दैट वॉज द नील आइलैंड। तो नील आइलैंड का वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हमारा रेस्ट ऑफ द ट्रिप कैसा था। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक अवर वीडियो।